Welcome to my channel, Miles Ahead. The poem, Daffodils, written by William Wordsworth. Hello children. Today I am taking your poem, Daffodils, written by William Wordsworth, who is well known as a poet of nature. This poem is going to begin with pessimism, where he is in a very disappointed mood, he is in a very depressive mood, feeling himself alone. Whereas, while we are going to the end of this poem, it is going to turn into an optimistic poem, where he is feeling himself so much happy and pleasurable with the company of golden daffodils. So, while we are going to start this poem, कुछ पॉइंट्स इस पोम के हम लेंगे जो आपको एक बेस क्लियर करेंगे. द बेस ऑफ द पोम मस्ट बी वेरी मच क्लियर दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मूड वॉज देयर इन द माइंड ऑफ पोइट. एंड हियर द पोइट इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ क्लाउड. देयर इज अ काइंड ऑफ अजम्पशन व्हाई ही इज फीलिंग हिमसेल्फ लाइक अ क्लाउड हु इज वॉन्डरिंग ऑल अलोन. बिकॉज व्हाइल ही इज राइटिंग दिस पोम He is in a very pensive mood. He is in a very sad mood. थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा उदास है जब वो इस पोम को लिखने आते हैं. और उस समय की सिचुएशन ये है कि उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कजिन डोरथी के साथ वॉक पे हैं और वहां पर वो अज्यूम करते हैं एक क्लाउड को, लोनली क्लाउड को वॉन्डर करते हुए देखते हैं स्काई में और वो उसे अपने आप से रिलेट कर पाते हैं. ये सारी थॉट्स जब उनके दिमाग में आती हैं, इट इज गिविंग अ राइज टू द poem. So while we are going to start its first and second stanza in this video, keep each and everything very much clear in your mind that where we are using cloud, it is being used here for the poet himself. And whereas he is getting positive vibes, that is coming from golden daffodils. Golden daffodils ke group ko is poem mein लिया गया है इस तरीके से जहां पर हर समय उसको पर्सोनिफाई किया गया है एक लिविंग पर्सन की तरह. ठीक है, तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस पोम को स्टार्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पोम. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा एंड दैट इज आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. हियर एज आई टोल्ड यू पोइट इज अज्यूमिंग हिमसेल्फ लाइक अ क्लाउड. दैट क्लाउड Who is wandering in the sky all alone? The same feeling was there in the poet condition while he is feeling himself sad and lonely. तो I he is using for himself. खुद के लिए इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं और यहां पर assumption है उनका cloud से. तो एक बादल की तरह जो कैसा है aimless. Cloud का कोई aim नहीं होता, कोई destination नहीं होती है. He is wandering aimlessly so that The poet is feeling himself. I wandered lonely as a cloud. मैं किस तरीके से टहल रहा हूं. Wandering means टहलना. To walk from here to there. यहां पर वो अपने आप को बोलते हैं कि एक मैं क्लाउड हूं और वॉन्डर कर रहा हूं aimlessly in the sky that floats on. और कहां कहां से होकर गुजर रहे हैं वो. He is floating on the high or for the over and wells for the valleys and hills. एक बादल कहां कहां से गुजर रहा है. माउंटेन्स के ऊपर से, छोटी छोटी हिल्स के ऊपर से और वैलीज के ऊपर से. तो जब वो ऐसे पेंसिव मूड में, इन अ लोनली मूड, जब वो वहां से क्रॉस करते हैं, व्हेन ऑल एट वंस सडनली आई सॉ अ क्राउड, क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. हियर इज अ पर्सोनिफिकेशन. क्योंकि आप पर्सोनिफिकेशन कहां होता है बेटा. पर्सोनिफिकेशन वहां होता है जहां एक नॉन लिविंग थिंग को आप एक तरीके से अजम्पशन करते हो एक लिविंग थिंग की तरह. ठीक है ना. तो यहां पर उन्होंने द डेफोडिल्स को, फ्लावर्स के ग्रुप को क्राउड का नाम दिया है. हियर इज अ पर्सोनिफिकेशन. सो दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड एंड ही इज गोइंग टू हैव एन एनकाउंटर विद द डेफोडिल्स. तो जब वो ऊपर से गुजर रहा है बादल, नीचे वो जो है ग्राउंड पर देखता है, उसकी नजर पड़ती है, वहां उसे कौन दिखाई देता है. अ क्राउड ऑफ डेफोडिल्स, a host of golden daffodils. Again he is going to give it another name, another title, that is a host. Who is a host? Jo aapko welcome karta hai. Host is a person who is going to welcome you. And we are the guest who is coming from outside to any place. So we are here, cloud is here like a guest
and daffodils are the host who are going to welcome the cloud while he is coming to that area. A host who is a welcomer is a group of daffodils beside the lake. Now, the hosts are all around. While the guest is coming, वो क्या देख रहा है कि ग्राउंड पर जब भी उसकी नजर पड़ती है, he is gazing from beginning till end. उसे दूर दूर तक क्या नजर आ रहे हैं? The numerous daffodils. Beside the lake, there is a lake. उसके चारों ओर beside means by the side of, बगल में, ठीक है? Beneath the tree. एक लेक के बगल में, पेड़ों के नीचे, each and everywhere, जहां तक वो देख सकता है, जहां तक उसकी नजर जा रही है, वहां तक उसे सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहे हैं? Daffodils, who is going to welcome that cloud to that area. Fluttering and dancing in the breeze. Breeze is a cold wind that is giving you a soothness, a pleasure, a joy. While you are in a pensive and sad mood, ये सारी चीजें जो उन्होंने एक breeze नाम लिया, ये इसलिए that they are going to swing your mood, okay? Mood change करने के लिए. और वो जो daffodils हैं, while you are going to welcome someone, आप कैसे welcome करते हो उसको? Dull या cheerful होके? Cheerful होके, definitely. तो इसी तरीके से जो daffodils हैं, वो welcome जब करते हैं, तो किस way में यहाँ पर कर रहे हैं? They are flickering. What is the meaning of flickering? अपने डांस मूव से, while they are shaking their body in that wind, hill डुल कर, ठीक है? And dancing in the breeze, वो डांस करते हुए, हिलते डुलते हुए, एक अच्छे, pleasurable, joyful mood में वेलकम करते हैं क्लाउड को, ठीक है? तो यहाँ पर जो first stanza है, यहाँ पर उस क्लाउड का pessimism दिखाया गया है. Pessimism जब आपके लिए सारी सिचुएशंस नेगेटिव होती हैं, while you are not feeling yourself happy, you are not feeling yourself comfortable, तो उस वे में जब वो एंटर कर रहा है, while he is going to enter himself in that area that is filled with the dancing daffodils, उस टाइम पर अचानक से उसके मूड में स्विंग्स आएंगे, मूड उसका चेंज होगा, ठीक है ना? सेकेंड स्टेंजा जब हमारा स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम उन daffodils की क्वालिटी, उनकी प्रेजेंस उस एरिया में बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की है हमारे पोइट ने, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने जो अगर मैं यहां पर आपको नोट करा देती हूं, तो पर्सोनिफिकेशन आया आपका क्राउड और अ होस्ट इसके वे में, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग को उन्होंने जज किया है एज अ पर्सन. व्हाइल वी आर कमिंग टू द अनदर स्टेंजा, स्टेंजा टू, continuous as the stars that shine. Now he is going to compare. As and like word is being used here. That is a symbol of figure of speech. What figure of speech is being used here? Simile. ठीक है? While we are using as or like to compare anything with anything, there is a simile. So in first line we are getting simile, figure of speech. Continuous as the stars. Continuous means never ending. So this way, while we are looking at in the sky at the night, हमें क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ तक numerous stars नजर आते हैं. They are not having any end point. आप नहीं बता सकते हो कि इस point पर आकर stars दिखने बंद हो गए हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर वो compare कर रहे हैं. तो comparison is there with the word using as. So it is simile. Continuous as the stars that shine and how they are shining as the stars are shining in the sky. At the night time, the same thing is going to be done here on the ground by the golden daffodils. The stars are going to shine in the night, whereas the daffodils are showing their shining in the day period. But there is a comparison while they both are producing light, and light is a symbol of prosperity, happiness. So both the things are doing the same things. And twinkle on the Milky Way. The stars are coming in the Milky Way while it is a night period. You can see a numerous stars twinkling in the sky and they are giving you a pleasure. They are giving you a positive vibes. They are giving you a shining light. The same way they are going to be compared with the daffodils. They stretch in never-ending line. The same way while the stars are in a never-ending line. जो कभी ना खत्म होने वाली जो एक डिस्टेंस होती है जहां हमें स्टार्स नजर आते हैं एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, सेम इसी तरीके से उस क्लाउड को व्हाइल ही इज ऑन द
अबव द माउंटेन और हिल और द वैलीज, ऊपर से जब वो देख रहा है उसको नीचे जो डेफोडिल्स नजर आ रहे हैं वो उतने ही न्यूमरस नजर आ रहे हैं, उतने ही नेवर एंडिंग लाइन में नजर आ रहे हैं जितने की मिल्की वे में हमें स्टार्स नजर आते हैं. सो अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, बे जो आपकी लेक है उसका जो मार्जिन है, यानी मार्जिन इज द बॉर्डर, जो उसके बाउंड्री है, वहां से लेकर स्टार्ट होते हुए, बिकॉज इन द वॉटर बॉडीज द डेफोडिल्स कैन नॉट ग्रो, सो बाय द साइड ऑफ दैट लेक, बाय द साइड ऑफ दैट बे, वहां से बे ऑफ बंगाल वगैरह आपने पढ़ा है तो आपको पता है बे मीन्स होती है खाड़ी, खाड़ी होती है जहां पर एंडिंग लाइन आती है लैंड पोर्शन की और उसके बाद वाटर बॉडीज स्टार्ट हो जाती हैं. तो वो क्लाउड जब ऊपर से देख रहा है तो उसको पता है कि जो साइड एरिया है बाय द साइड ऑफ दैट लेक और द बे, वहां से लेकर जहां तक उसकी नजर जा रही है उसे सिर्फ क्या नजर आ रहे हैं, डेफोडिल्स नजर आ रहे हैं. और वो भी कितने, 10,000 saw I at a glance. I is again being used for the cloud. अब वो खुद अपने ओन वर्ड में कहता है कि उसको एक साथ 10,000, वेयर एज वी कैन नॉट काउंट द थिंग्स वाइल दे आर इन अ ग्रुप, जस्ट लाइक आर हेयर, वी कैन नॉट काउंट द हेयर, वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स, दे आर न्यूमरस, बट ही इज गोइंग टू टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दोज डेफोडिल्स. दैट इज वाई वॉट इज गोइंग टू बी यूज हेयर, हाइपरबोल. हाइपरबोल क्या होता है, आप किसी चीज को जब बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, जब आप किसी चीज के लेवल को अप्रेज कर बोलते हो व्हाइल यू आर नॉट हैविंग एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ एनीथिंग, देन वहां पर क्या होता है, हाइपरबोल. देन 10,000 saw I at a glance. अब वो बताता है मैं एक नजर में कितने देख पा रहा हूं, लगभग 10,000. सो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज द डेफोडिल्स आर स्टिक एट अ प्लेस, दे कैन नॉट मूव देयर बॉडीज, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, दे आर स्टक एट अ प्लेस एंड देयर दे आर मूविंग देयर बॉडीज एंड दे आर डांसिंग. सो हेयर इज अ पर्सोनिफिकेशन दैट दो दे आर द फ्लावर्स, दे आर बींग कंपेयर्ड विद द पर्सन हु इज गोइंग टू डांस. सो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वॉट दे आर डूइंग, दे आर मूविंग देयर हेड इन द विंड, the heads in a sprightly dance. And how the dance is looking, the dance is looking fabulous, the dance is looking full of life, lifeful, theek hai. And this way they are going to rejoin themselves in a lively dance, so that there is a kind of personification, because the person while he is dancing he is always in a lively mood. So the same way while the daffodils are dancing, they are again being compared as a person who is getting full energy, full mood, full joy in that dance. So now I will tell you where and which figure of speech is being used here. So in your first line there is a simile where as word is being used, okay. In the line 10,000 saw I at a glance, there is a hyperbole, and then the next line tossing their heads and a sprightly dance, here is a personification, okay. So these are the figure of speeches that is being used here. I hope ye dono stanza aapko clear hue honge, samajh mein aaye honge. Agar aapko acche se samajh mein aate hain ya kahin par bhi aapke mind mein thodi si bhi doubt rehti hai, where it is not clear, you need some more clarification, you need more explanation from my side, please give your comment in comment box. And definitely I'll see this and will repeat it again as per your wish. And I will come in next video with third and fourth stanza. Till then, bye and take care. Please like, subscribe and share. Thanks for watching.